स्वागत है जी आप सभी के यूट्यूब चैनल टेक्निकल बाटी पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस में गाड़ी चलाने के लिए LMV कैटेगरी किस तरीके से ऐड करा सकते हैं, तो उसी की इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलो जी वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर देते हैं परिवहन। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम परिवहन सेवा, क्लिक यहाँ पे कर दीजिए। परिवहन की ऑफिशियल साइट ओपन होकर आ जाएगी। ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करके ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए किस स्टेट से आप प्रोसीड करना चाहते हो। अब इस तरीके से आ जाएगा। क्रॉस पे क्लिक कर दीजिए या फिर स्किप आप क्लिक कर दीजिए, तो क्रॉस पे हम क्लिक कर देते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि आप अपने लाइसेंस में डायरेक्ट LMV कैटेगरी ऐड नहीं करा सकते। उससे पहले LMV कैटेगरी ऐड कराने के लिए आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाना होगा। लर्निंग लाइसेंस यहाँ से अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस पे क्लिक करके आप प्रोसीड कर सकते हो, या लर्नर लाइसेंस पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर न्यू लर्नर लाइसेंस पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्लिक करते हैं इस तरीके से आ जाता है। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है एप्लीकेंट्स होल्ड्स ड्राइविंग लाइसेंस। तो जो आपके पास पहले से ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी डिटेल यहाँ पे ऐड करनी होगी, जिसमें आप LMV ऐड कराना चाहते हो। तो वो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर यहाँ पे आपको डालना है, वो DL नंबर यहाँ पे डालना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी है, ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे नाम दिख जाएगा, फादर नेम यहाँ पे दिख जाएगा, कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। अब ये इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। अगर आप आधार के थ्रू प्रोसीड करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करके कर सकते हो। वहीं अगर आप विदाउट आधार प्रोसीड करना चाहते हो, मोबाइल नंबर के थ्रू प्रोसीड करना चाहते हो, तो सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करोगे। मोबाइल नंबर के यहाँ पे आपको लास्ट की 4 डिजिट दिख जाएगी, ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे डालिएगा। और जनरेट OTP पे क्लिक कर दीजिएगा। तो इनकरेक्ट ये कैप्चा डल गया है, दोबारा हम डाल देते हैं यहाँ पे। तो सेम ऐसा ही कैप्चा आपको डालना है यहाँ पे जैसा राइट साइड में डाला हुआ है, और जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। अब मोबाइल पे OTP चला जाएगा आपके पे, वो OTP यहाँ पे डालिएगा, ये कैप्चा यहाँ पे डालिएगा और सबमिट OTP पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इस तरीके से आपकी लाइसेंस की डिटेल ओपन होके आ जाएगी। इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे एड्रेस डिटेल आपको दिख जाएगी। और नीचे इस पेज पे हम आ जाते हैं। अब यहाँ पे LMV पे क्लिक कर देते हैं। LMV पे क्लिक करके ये जो ऊपर वाला बॉक्स है इस पे क्लिक कर देंगे, ऊपर वाली जो एरो है यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से ये यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाता है। किस तरीके से आपको इन ऑप्शनों पर क्लिक करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। बात करते हैं ए पॉइंट की। अगर आपको बेहोशी की या मिर्गी की दिक्कत है तो यस पे क्लिक कीजिए, अगर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है तो नो पे क्लिक करें। अगर आपको दोनों आंखों से स्पष्ट दिखाई देता है तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक करें। अगर आपके हैंड या फुट लॉस्ट हो गए हैं या फिर कोई डिफेक्ट है या मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो यस पे क्लिक कीजिए, अगर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है तो नो पे क्लिक करें। अगर आपको नाइट ब्लाइंडनेस की दिक्कत है तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक करें। अब बात करते हैं ई पॉइंट की। अगर आपको सुनने में कोई दिक्कत है तो यस पे क्लिक कीजिए, अगर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है तो नो पे क्लिक करें। अगर आपको कोई ऐसी डिसीज या डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से मोटर व्हीकल चलाने के दौरान आप पब्लिक के लिए खतरा साबित हो सकते हो तो यस पे क्लिक कीजिए, अगर ऐसी कोई भी दिक्कत आपको नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक करें। उसके बाद एक बॉक्स पे क्लिक कर देते हैं और सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। ओके पे क्लिक करते हैं, ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे नो पे क्लिक कर देते हैं और सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे सबमिट पे क्लिक करते हैं इस तरीके से आ जाता है कन्फर्मेशन के लिए, ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब दोबारा कन्फर्मेशन के लिए आ जाता है, ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब इस तरीके से ओपन होकर आ जाता है, ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब इस तरीके से आ जाता है, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा, अदर डिटेल यहाँ पे दिख जाएगा, एड्रेस यहाँ पे दिख जाएगा, क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है वो यहाँ पे दिख जाएंगे।
एप्लीकेशन कहीं पे आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप आगे प्रोसेस कंप्लीट करोगे या स्टेटस देखोगे तो एप्लीकेशन नंबर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे सर्विसेज रिक्वेस्टेड LMV के लिए हमने प्रोसीड किया तो LMV यहाँ पे आ रहा है। आगे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब इस तरीके से पेज आ जाएगा, ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पर डाल के सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। अब एप्लीकेशन लॉगिन होके आ जाती है, इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब हमको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, उसके बाद पेमेंट करनी है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, ओके पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं जिसको हम अपलोड करना चाहते हैं। जैसे हम लाइसेंस अपलोड करना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस प्रूफ सेलेक्ट कर लिया। डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, 123 कुछ भी आप डाल सकते हो। इशूड बाई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू है तो TDI यहाँ पर डाल दिया। इशू डेट यहाँ पर डाल दीजिए, किस डेट में लाइसेंस इशू हुआ था। कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो। यहाँ पर क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आप अपलोड करना चाहते हैं। जैसे हम लाइसेंस अपलोड करना चाहते हैं तो लाइसेंस हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। ध्यान आपको ये रखना है, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो उसका साइज 500 KB या 500 KB से कम होना चाहिए। फॉर्मेट JPG या JPEG या PDF फॉर्मेट होना चाहिए। अपलोड करने के लिए अपलोड पे क्लिक करेंगे, कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं तो डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। तो आपके केस में जो जो डॉक्यूमेंट है उनको आप अपलोड कर लीजिएगा और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब ये कैप्चा यहाँ पर डाल के सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। अब इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाता है। यहाँ से आप एप्लीकेशन निकाल दीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म निकाल लीजिएगा और इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइएगा। पेमेंट करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे पेमेंट आपको दिख जाएगी। तो हमारे केस में ₹150 की पेमेंट हमको करनी है। तो जो LL टेस्ट वो एग्जेम्प्टेड है तो LL टेस्ट देने की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पुराना वाला है वही एप्लीकेबल रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे 0 आ रहा है। बाकी यहाँ पे गेटवे ट्रेजरी सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका बैंक है वो आगे आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपको दिख रहे हो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, ये कैप्चा यहाँ पे डालिएगा और पेमेंट करने के लिए पे नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाता है। यहाँ पे बैंक गेटवे सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो यहाँ पे हम SBI मल्टी बैंक पेमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका बैंक है वो आगे आप सेलेक्ट कर सकते हो, ये सिर्फ पेमेंट गेटवे है। उसके बाद इस बॉक्स पे क्लिक करोगे और पेमेंट करने के लिए सिंपली सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से आ जाता है। स्टेट बैंक नेट बैंकिंग पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें, अदर बैंक नेट बैंकिंग पेमेंट्स के लिए यहाँ पे क्लिक करें, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें, अदर बैंक डेबिट कार्ड पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें, क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अब जैसे मैं अदर बैंक डेबिट कार्ड पेमेंट करना चाहता हूँ तो क्लिक यहाँ पे कर देता हूँ। अब कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे नाम डाल दीजिए, कार्ड में क्या नाम है, कार्ड नंबर यहाँ पे डाले, किस मंथ ईयर में कार्ड एक्सपायर हो रहा है वो यहाँ पे डालेंगे, CVV कोड की 3 डिजिट कार्ड के पीछे आपको दिख जाएगी वो यहाँ पे डाल के पेमेंट करने के लिए पे पर क्लिक करें। कार्ड से जो मोबाइल लिंक OTP उस पर चला गया, OTP यहाँ पे डाल के कन्फर्म पे क्लिक करें। अब इस तरीके से आ जाता है, पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। इस पेज पर आप 10 सेकेंड वेट कर सकते हो या क्लिक हेयर पर क्लिक कर सकते हो। अब इस तरीके से आ जाता है, पेमेंट रिसिप्ट निकालने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। अब इस तरीके से पेमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। इसको आप सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हो, डाउनलोड करना चाहते हो डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट निकालना चाहते हो तो प्रिंट आप निकाल सकते हो। अगर आपकी पेमेंट पेंडिंग में चली गई है, वेरीफाई आप करना चाहते हो तो फीस पेमेंट पे क्लिक करके वेरीफाई पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करोगे, उसके बाद ये डिटेल डाल के वेरीफाई पे क्लिक करके वेरीफाई आप कर सकते हो। पेमेंट अगर सक्सेसफुल हो चुकी है, पेमेंट रिसिप्ट आप निकालना चाहते हो तो फीस पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद ई पेमेंट पे क्लिक करके प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करोगे, ये डिटेल डाल के गेट डिटेल्स पे क्लिक करके पेमेंट रिसिप्ट आप निकाल सकते हो। बाकी इतना प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद किसी भी डेट में RTO ऑफिस जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा दीजिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म, सेकेंड ड्राइविंग लाइसेंस, थर्ड एड्रेस प्रूफ, करंट एड्रेस प्रूफ जो है आपका, फोर्थ पेमेंट रिसिप्ट, और इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी आपको लेके जानी है। जैसे आपने लाइसेंस अपलोड किया है वो ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी लेके जानी है। अगर एड्रेस प्रूफ भी आपने अपलोड किया है तो वो ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी लेके जाइएगा। अगर एड्रेस प्रूफ आपने अपलोड नहीं किया है तो फिर भी आप एड्रेस प्रूफ लेके जाइएगा, ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी। एप्लीकेशन फॉर्म को मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से आप निकाल सकते हो, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करोगे,
ये डिटेल डालोगे, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये कैप्चा यहाँ पर डाल के सबमिट पे क्लिक करोगे। इस तरीके से एप्लीकेशन लॉगिन होकर आ जाएगी। राइट साइड में आओगे, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके एप्लीकेशन फार्म आप निकाल लीजिए। तो ये जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं, किसी भी डेट में RTO ऑफिस जाके वेरीफाई आप करा दीजिएगा, मंडे टू फ्राइडे। उसके बाद जैसे ही आपका लर्निंग लाइसेंस अप्रूवल हो जाएगा, इशू हो जाएगा, उसके 30 दिन बाद या 1 महीने बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस एंडोर्समेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, यहाँ पे आप डालोगे LMV एंडोर्स, ये आप डाल दीजिएगा तो उससे रिलेटेड वीडियो आपको दिख जाएगी। तो ये आप देख सकते हो, इनमें से ये पार्ट 2 जो है इसको देख के आगे का प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी है जी। बाकी लाइसेंस रिलेटेड और भी जानकारी देखना चाहते हो, सिंपली लाइसेंस यहाँ पर डाल दीजिएगा, चाहे लर्निंग लाइसेंस हो, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, एड्रेस चेंज, नेम चेंज, और भी काफ़ी लाइसेंस रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर रखे, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सोशल साइट पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके पेज पे नीचे की तरफ आओ, सोशल साइट के लिंक दिए हुए, सोशल साइट पर आप जुड़ सकते हो। कोई आपका डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ऐसी वीडियो पाने के लिए जुड़ना चाहते हो इस चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, फायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी मिलेगी सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।